आज हम सामाजिक पर्यावरण का चैप्टर थर्ड करेंगे, पृथ्वी के परिमंडल। सौर मंडल के आठों ग्रह में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा अनोखा ग्रह है जिस पर जीवन के लिए हवा और पानी दोनों पाए जाते हैं। हमें पता है कि जो सौर मंडल है उसमें कितने ग्रह होते हैं, आठ ग्रह होते हैं, और पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर हमारे को क्या मिलता है, जीवन के लिए हवा और पानी दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं। वास्तव में भूमि, जल एवं वायु पृथ्वी पर पाए जाने वाले तीन प्रमुख परिमंडल है, यानी पृथ्वी पर जो है तीन प्रमुख परिमंडल है पाए जाते हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, भूमि, जल एवं वायु, जहाँ जीवन विद्यमान है। जीवन का परिमंडल जैसे जैव मंडल, जीवन का परिमंडल किसे कहते हैं, जैव मंडल को, तो यद्यपि एक बहुत संकीर्ण क्षेत्र है, जो जीव मंडल है वो बहुत ही संकीर्ण यानी बहुत छोटा क्षेत्र है, फिर भी पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण परिमंडल है। लेकिन जब हम पृथ्वी के बारे में बात करेंगे तो जैव मंडल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस तरीके से पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं उस ठोस भाग को भूमंडल या स्थल मंडल कहते हैं। जहाँ हम रहते हैं पृथ्वी का ठोस भाग है, इसे हम भूमंडल बोल सकते हैं या स्थल मंडल। अधिकतर पेड़ पौधे एवं जीव जंतु भी इसी भाग में रहते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं और जितने भी जीव जंतु हैं वो कहाँ रहते हैं, स्थल मंडल या भूमंडल। पर्वत, पठार तथा मैदान जैसी भू आकृतियाँ इसी स्थल मंडल में स्थित है। जितने पर्वत है, जितने पठार है और जितनी भी मैदानी भूमि है वो भी क्या है, स्थल मंडल के अंदर ही आती है। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के आवरण, अब देखो पृथ्वी की हमने स्थल मंडल के बारे में पढ़ा, अब पृथ्वी को जो है ना एक वायु का जो आवरण है, वायु का एक आवरण जो है वो चारों तरफ से घेरे हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। यह वायुमंडल विविध प्रकार की मौसमी घटनाओं का मूल कारक है। जो वायुमंडल होता है, जो हमारी जो मौसम में जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी बदलाव आते हैं, उसके लिए जो है एक मुख्य जो कारण होता है वो क्या होता है, वायुमंडल। पृथ्वी तल का वह भाग जहाँ जल पाया जाता है वह जलमंडल कहलाता है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ पर जल पाया जाता है उसे हम जलमंडल कहते हैं। संपूर्ण धरातल के 70% भाग पर जलमंडल पाया जाता है, और 70% जो हिस्सा है पृथ्वी का उस पर क्या है, पानी पाया जाता है। पृथ्वी को निम्नलिखित चार परिमंडलों में विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि जीवन के लिए हमें भूमि, जल एवं वायु की आवश्यकता होती है। ये सभी तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तीनों परिमंडल के अतिरिक्त एक ऐसा परिमंडल भी है जहाँ तीनों परिमंडल मिलकर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं, अर्थात जहाँ जीवन है। इस प्रकार पृथ्वी के चार परिमंडल है, पहला हमने पढ़ा स्थल मंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा वायुमंडल, और चौथा, इन तीनों को मिलाकर जो है एक परिमंडल बनता है जिनको हम क्या कहते हैं, जैव मंडल।